फिलहाल हमने जो देखा ये अभी शुरुआत है, शायद ये और ऊपर जाएगा। बहुत खराब सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि लोगों को बीच में जो स्टूडेंट का क्लास हुआ उसमें बहुत डर लगता है कि हम लोग इसलिए सेफली इंडिया आ गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी वो कुछ नहीं है, नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं मिल रहा। परिस्थिति मतलब ब्राह्मणबाड़ी में परिस्थिति अभी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर नॉर्मली है। कॉलेज बंद है इसलिए मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, इसलिए हम जा रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी वो कुछ नहीं है, नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं मिल रहा। अभी प्लान यही है कि घर जाए, मतलब कॉलेज में और कितना दिन बंद रहेगा वो अभी श्योरिटी नहीं है। मतलब अगर कॉलेज खुलेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। हालत जो सुनने को मिला कि ढाका में खराब है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है ब्राह्मणबाड़ी है उसमें अभी भी नॉर्मल है। अच्छा, इससे पहले की हालत खराब हो हम लोग निकल गए। एमबीसी से कल रात से बात हो रहा था। अच्छा। वो लोग क्या करना है क्या नहीं करना है इस सिचुएशन में बोल रहा था। कल हमने सब अपना पासपोर्ट नंबर और नाम भी अपने सबमिट कर दिए, तो बहुत हेल्प मिला और अभी हम निकल रहे थे। अच्छा। इंडियन सिम से हमने एमबीसी से कॉन्टेक्ट किया। अच्छा। नेटवर्क मिल रहा था। अच्छा। फिलहाल हमने जो देखा ये अभी शुरुआत है, शायद ये और ऊपर जाएगा। दो तीन दिन पहले हम लोग को एक नोटिस मिला कि तुम लोग का कॉलेज मतलब वो अनिर्दिष्ट काल के लिए बंद है, वो कब तक खुलेगा वो पता नहीं। तो हम लोग को ऐसे नोटिस मिला, हम लोग तो पहले उतने ज़्यादा पैनिक नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद जब आज दो तीन तीन दिन हो गए हम लोग कॉलेज वगैरह से कुछ भी नहीं मिल रहा था, हेल्प वगैरह। वो मतलब हॉस्टल में सेव ही थे हम लोग, मतलब कुछ खाने पीने का चीज़ कुछ दिक्कत नहीं था। वो लोग हम लोग कैंटीन कॉलेज कैंपस में ही है, वो लोग सब हम खा रहे थे, कुछ वगैरह दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन दिक्कत यही था कि हम लोग को उधर कॉल करने, घर पर कॉल करने का कोई बंदोबस्त नहीं था। वो उधर का नेट बंद था, हम लोग वो व्हाट्सएप से कॉल करते थे, घर पे व्हाट्सएप में ही बात करते थे। वो नेट बंद कर दिया तुरंत, हम लोग तो पैनिक हो गए और बात नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम लोग का और पासपोर्ट हम लोग का कॉलेज में ही था, आज दिया और तुरंत हम लोग वापस चले आए। जैसे हमारे कॉलेज में इतना ख़राब सिचुएशन नहीं है, हॉस्टल में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो बाहर है, बाहर हम लोगों को बोला, हम लोगों का जो सीनियर दादा है इंडियन है, उन लोगों को लेकर बाहर मत जाओ, हम लोग बाहर नहीं गया। तो आज क्या हुआ, आज सुबह हम लोगों को पासपोर्ट दे दिया, हम लोग सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं सब लोग। 63 यूपी, बिहार, कश्मीर, पंजाब और वेस्ट बंगाल का भी बहुत सारा स्टूडेंट है, वो टोटल 80 प्लस होगा शायद। ब्राह्मणबाड़िया मेडिकल कॉलेज, हाँ, मेडिकल के स्टूडेंट में सिचुएशन और ढाका और चट्टग्राम उसमें बहुत खराब सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि लोगों को बीच में जो स्टूडेंट का क्लास हुआ उसमें बहुत डर लगता है कि हम लोग इसलिए सेफली इंडिया आ गया।
ज़्यादा खुश हूँ।